मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो मैं श्रिया वाला लगा रखा था, ये 8 साल हो गए फ्रेंड्स। 8 साल के बाद पहली बार फला है इसमें फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं किस तरह से फल लगा है। ये पहला हार्वेस्ट मैं आज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से फल लगे हैं फ्रेंड्स। पूरे डाली में सब फल फल लगे हैं फ्रेंड्स। मैंने इसको सीड से ही लगा रखा था फ्रेंड्स। जो नर्सरी जो बेचते हैं सीडलिंग, उसी प्लांट से मैं लगा रखा था इसको। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आंवला, इसका अचार बनाया जाता है। ये इसका अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसको आप एयर लेयरिंग से लगा सकते हैं। जब ज़्यादा बारिश हो तो फिर आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। बरसात के समय में स्वाद में ये नॉर्मल आंवले की तरह लगता है फ्रेंड्स। जो जंगली आंवला होता है उसी की टाइप लगता है। हल्का खट्टा मीठापन ये है। आप देख सकते हैं पूरे पेड़ में फ्रेंड्स फल ही फल लदे हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। कितने घने और बहुत ही अधिक संख्या में फल लगे हैं फ्रेंड्स। आप जिस भी डाल में देखो पूरे फल ही फल से लदे हैं। जहाँ भी देखो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा फल लगे हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। पूरा हार्वेस्ट करके हम फ्रेंड्स घर, आप देख सकते हैं पूरा झोला भर गया है आंवले के। कुछ फायदे नीचे दिए गए हैं फ्रेंड्स।